तो ये बादाम भी ऑलमोस्ट खाली है, मैं ये भी लिख लूँ। और ये है एक्चुअली मेन जगह। चावल देखो, महीने का एंड हो गया है। ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रूपाज डेली मिरर। मैं हूँ रूपा और आज ना मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये जो टाइटल थंबनेल ये सब देख के तो आपको समझ में आ गया है, आज किचन रिलेटेड कुछ वीडियो है। और मैं कई महीनों से मैं सोच रही हूँ मंथली मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ। आजकल करते करते हो ही नहीं रहा है तो सोचा कि चलो शेयर कर ही देती हूँ अगर कर ही रही हूँ तो। इस मंथ का तो एकदम एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। और एंड ऑफ द मंथ मैं क्या करती हूँ, पूरे किचन को अच्छे से देखती हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्या चाहिए, अगर कुछ है तो वो एक महीने तक चलेगा कि नहीं। और साथ साथ किचन को भी थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, किचन जो है एकदम पूरा मंथ रेडी हो जाता है। सो चलो शुरू करते हैं। जैसे आज ना मैं खाना वाना बनाने के बाद किचन को क्लीन भी नहीं किया, मैं सोच रही थी एक बार लंच कर लूँ, लंच के बाद एक बार आऊंगी आके आपके साथ भी बातें करूंगी और साथों साथ किचन को क्लीन भी करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी क्या मैं करती हूँ हर महीने एंड में। चलो, वैसे आज थोड़ा सा रेडी हुई हूँ मैं, लग रहा है आप सब मेरे सामने हो और मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ। सोचा कि चलो थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। वैसे मैं घर पे रेडी कम ही होती हूँ, वो आदत है मेरी, बट नहीं कभी कभी रेडी होना चाहिए, वीडियो में अच्छा लगता है, लोग बताना। ठीक है, शुरू करते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, शुरू करते हैं। जैसे ये हॉब जो है पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ किचन में मेरे क्या है क्या नहीं है। ओके, ये जो पुराना वाला एक भीम का बॉटल है इसमें मिक्स कर लेती हूँ। मैंने जब किचन क्लीनिंग रूटीन दिखाया था, ये हॉब और चिमनी क्लीनिंग, उस टाइम पे मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था पोर्शन भीम लेना है, कितना पोर्शन विनीगर लेना है, कितना पोर्शन पानी लेना है, ऐसा मुझे पूछा था किसी ने। चलो आप ही के सामने करती हूँ, कुछ नहीं ऐसा कुछ खास कुछ नहीं करती हूँ मैं। ये भीम जो है वो मैं ऐसे डाल लेती हूँ थोड़ा सा, ना ही मैं लूंगी विनीगर। विनीगर से क्या होता है ना, अच्छे से एकदम शाइन भी आ जाता है और जो है ना बैक्टीरिया बैक्टीरिया वो भी नहीं रहता, मैंने सुना है ऐसा। और मैं आपके साथ ना एक और भी इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो बहुत पुराने जमाने में मेरी मम्मी किया करती थी और मुझे भी वो वाली आदत है। और इसके साथ मैं मिक्स करूंगी पानी, तो ये जो सोल्यूशन है बिल्कुल रेडी है। ये जो पैकेट है ना ये ज्यादा किफायती है मुझे लगता है ये बॉटल से ज्यादा। बॉटल तो मैं एक लेके आती हूँ और वो फिनिश हो जाता है, फिर इसी से काम चलाती हूँ, मतलब भर भर के, वो ज्यादा किफायती होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है मुझे लगता है। मैंने बहुत नरम एक स्पॉच ब्राइट लिया है जो बिल्कुल मतलब हार्श नहीं है और इसके लिए अच्छा है, सॉफ्ट है, तो इसी के साथ क्लीनिंग ज्यादा अच्छी होती है। वैसे मेरे किचन में सबसे पसंदीदा और ख़ास चीज़ जो है वो मेरी हॉब है, बहुत शौक से मैंने इसको लगाया था तो एक्स्ट्रा केयर मैं इसका करती हूँ हमेशा। और आप में से बहुत सारे फ्रेंड हो जो क्वेश्चन करते हो हॉब लेना चाहिए कि नहीं, इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं, हाँ ज़रूर कर सकते हो और जल्दी से जल्दी अगर लगाना चाहते हो लगा लो, यूज़ करो, एक ही ज़िंदगी है, अपना शौक पूरा कर लो। सो किचन को कर लिया है क्लीन, बट ये आज का कंटेंट नहीं है, मेन मुद्दे पे आते हैं जो है देखना कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करूंगी मैं यहाँ से, एकदम इस साइड से देखते हुए जाएंगे, वही मैं करती हूँ। और आप देखना एक कॉर्नर पकड़ के आप ऐसे चलोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जैसे ये टी कॉर्नर है, यहाँ पे टी कॉफी मिल्क पाउडर ये सब रहता है, तो ये खोल के देखना है। और सबसे पहले मैं जो यूज करूंगी वो है छोटू सा नोट पैड और एक पेन रखती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी लिख सकूँ कि क्या मुझे लाना है बाहर से। ठीक है, पहले ये सब डब्बा चेक कर लेती हूँ। वैसे अपने किचन के लिए आप सबसे बेस्ट हो, आपसे ज़्यादा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स आज शेयर करूंगी आपके साथ। टिप नंबर वन, हमेशा एक कॉर्नर पकड़ के चलो और वहाँ पे क्या क्या है क्या ख़त्म हो चुका है वो जल्दी से जल्दी एक डायरी में नोट डाउन कर लो, और रैंडम कहीं से भी आप देखोगे तो वो याद रखना मुश्किल होता है और चीज़ें बहुत मैसी हो जाता है, इसके लिए हमेशा शुरुआत एक कॉर्नर से करो। टिप नंबर टू, अगर कंटेनर्स खाली हैं तो अच्छे से धो के सुखो के फिर रखना, तो देखना मंथ में ना जब आप नया नया सामान वहाँ पे डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा, एक मंथ के लिए आपको अपना किचन नया लगेगा। नेक्स्ट है ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे काफी सारा डब्बा खाली है।
इस वाले सेक्शन में मैं हमेशा दो टाइप के जार्स रखती हूँ। बड़े वाले जार्स में नमकीन रहता है, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर, नमकीन, नमक पारे वगैरह, और जो दूसरे टाइप के छोटे छोटे बॉटल्स हैं वहाँ पे मैं रखती हूँ साबुत मसाले, जीरा, धनिया, मेथी, कलौंजी, ये सब। टिप नंबर 3, ऐसे जार्स जो आप रोज़ यूज़ करते हो, रोज़ हाथ लगाते हो, तो उस जार के बाहर के पोर्शन को आप अच्छे से विम लिक्विड से धो के सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा सकते हो, क्योंकि एक तो जार्स बाहर रहते हैं और दूसरा हम उसको हाथ लगाते रहते हैं रैंडम, कभी गीले हाथों से, कभी ऐसे चिकने हाथों से ऐसे लगा देते हैं और खाना बना बनता है तो ये ऑब्वियसली इसमें चिकनापन रहता है एक, तो इसलिए बाहर से आप ऐसे अच्छे से इसको धो सकते हो तो नया नया ही लगेगा बॉटल, हाथ लगाने में भी अच्छा लगता है। बट हाँ, जार्स के जो लीड है वो अच्छे से बंद होना चाहिए, अदरवाइज अंदर पानी चला जा सकता है। और हाँ, मैं तो ये चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ, नॉट ओनली मंथ में वन, मैं फॉलो करती रहती हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं ऐसे इसको क्लीन कर देती हूँ तो अच्छा रहता है। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जब भी आप सारा सामान निकाल के चेक कर रहे हो उसी टाइम पे एकदम तुरंत वो जगह को स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर दो और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दो, देखना एक ही बारी में अपना काम जो है लिपट जाएगा। और ये देखो, सारे बॉटल्स को मैं यहाँ पे रख दूँगी, मैंने क्लीन कर लिया है। तो क्या होता है ना, एक बार आप जब किचन को डीप क्लीन करने जाओगे ना, बहुत परेशानी होती है, ये ऑयल को घिसो, ग्रीस को घिसो, अच्छे से साफ़ करो, सुबह से शाम तक लगे रहो, फिर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, ये तो एकदम कॉमन चीज़ है। सो इसलिए ना, ऐसे हम करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। मैं जैसे ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ मंथ में अपने काम को, तो क्या होता है ना, एक दिन में मेरे सर के ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि आज मुझे डीप क्लीन करना है, तो आज भारी काम है। ये है एक्चुअली मेन जगह, यहाँ पे एक्चुअली दालें, बिस्किट्स वगैरह मैं रखती हूँ, मैंने तो आपको दिखाया है किचन ऑर्गेनाइजेशन में, सो ये जगह मेन है। देखो, आप उतना हिसाब तो नहीं कर सकते हो कि मंथ के एकदम एंड में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। और उसी के साथ मैं क्या करती हूँ, टिप नंबर 5 में आपको बताती हूँ। और ये देखो, मेरे पास कुछ बचे हुए ग्रीन मूंग, ये सब मटर जो आधे का ये निकल गया था स्प्राउट, और ये छोले, आपको दिख रहा है छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलने लगे हैं, ये देखो निकलने लगा है। मैंने इसकी वजह से ना इसको भिगो के रखा था कि स्प्राउट्स निकलेगा, फिर इसके बाद मैं इसमें इसको एक अच्छा सा चटपटा सा सलाद बनाऊंगी, तो मैंने ये रखा है। ये छोले का, ये ना छोले का बहुत लेट होता है निकलने में, फिर भी ये देखो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा ना, बस कल तक ये आ ही जाएगा, तब मैं बनाऊंगी, तो इसके लिए इसको भिगो के रखा है। ऐसे अगर कुछ ख़त्म हो जाता है ना आपके इधर, जैसे ये ग्रीन मटर, फिर आपका ग्रीन मूंग, छोले वगैरह ख़त्म होने लगता है, तो ये सब आप भिगो दो, थोड़ा स्प्राउट्स निकल के आएगा, तो इसमें से सलाद बना सकते हो, मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसे ना बनाती हूँ टमाटर वमाटर के साथ, मैं शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी। भी ऑलमोस्ट खाली खाली है, ये यहाँ पे मैं बादाम भी भिगोती हूँ, सो ये बादाम भी ऑलमोस्ट खाली है, मैं ये भी लिख लूँगी। ये जो ओट्स है ये भी आधा हो चुका है, बट ये ही अब फिनिश करना है, फिर मैं लेके आऊँगी। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स रखती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स भी फिनिश हो चुका है। और ये है मेरा गलती का फल, ये है वो चॉकलेट वाला वूमेंस हॉर्लिक्स, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, मैंने तो कर दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे है हॉर्लिक्स जो उन लोगों का है जो मुझे लिखना है। मैं जब छोटी थी और महीने में एक बार पापा बैग भर के ग्रोसरीज लेके आते थे, तो मैं इतना खुश होती थी, मुझे लगता था पापा बैग भर के गिफ्ट्स लेके आए हैं, नए नए रंग बिरंगी पैकेट के अंदर नए नए सामान, बिस्किट का पैकेट, मैदे का पैकेट, ऑयल का पैकेट, चॉकलेट्स, ये सब पापा बैग से निकालते थे ना बाहर, मैं बहुत खुश होती थी, कूद कूद के एकदम, पता नहीं कौन सा फेस्टिवल है ये। लेकिन इन सब के पीछे मम्मी का एक छोटा सा मेहनत भी था, मम्मी ऐसे देख के पापा को लिस्ट बना के देती थी। यहाँ पे मैं टिप नंबर 6 आपके साथ शेयर करूँगी, वो है ये कि ज़्यादा सामान घर पे स्टोर मत कीजिएगा।
जैसे मैं पहले पहले करती थी तो बहुत नुकसान होता है इसमें। जब हम ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सामान देख के हमें लगता है कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये बाद में बनाऊँगी, वो कल बनाऊँगी, वो परसों बनाऊँगी करके हम लेके तो आते हैं घर पे, लेकिन ढंग से बनाना नहीं होता है और काफ़ी सारा सामान ना वेस्ट हो जाता है, वेट निकल जाता है, फेंक देना पड़ता है। तो अगर कभी आपको लगे कि आप ये बनाओगे तो प्लान कर लो और उसी टाइम पर लेके आ जाओ या फिर ऑनलाइन में ऑर्डर कर दो। और इधर मतलब किचन के इस वाले पोर्शन में मैं तो सारे मसाले के डब्बे रखती हूँ, जो मसाला मैं इधर से भर के इधर रखती हूँ, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है। और नीचे जो है ऑयल घी वगैरह है जो मैंने देख लिया है ऑलरेडी। और लास्टली आता है ये वाला कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे मेरी रहती है चावल। देखो महीने का एंड हो गया है, चावल भी एकदम नीचे आ गया है, तो चावल चाहिए और चाहिए मैदा, नहीं मैदा नहीं चाहिए, मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो ये मैं नहीं लाने वाली हूँ, आटा लाने वाली हूँ। और ये भी एक टाइप का चावल है, ये भी एक टाइप का चावल है। और यहाँ पे छोटू सा एक डब्बा में मैं आटा रखती हूँ जहाँ पे रोटी के लिए लगता है। सो यहाँ पे और कुछ नहीं है, पीछे हाँ पीछे मुरमुरा रहता है, वो फिनिश हो गया है। और इधर जो है वो कोलकाता से लेके आई थी ज़्यादा करके पॉपी सीड वगैरह, बड़ी वगैरह, ये सब है। और फाइनली पूरा किचन सेटअप मैंने देख लिया है, क्या नहीं है वो मैंने लिख दिया है। और साथ ही साथ ये बॉटल वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से क्लीन भी कर लिया है। ये मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार करती हूँ, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, ये देखो बिस्किट निकाला है या थोड़ा सा ही बचा है, तो आना कोई याद नहीं है, उसको दे दूंगी। वो पढ़ाई करती करके वो चाहिए होता है मम्मी ये दे दो बोल दो, तो ये च्यू करते करते ख़त्म कर देगी। अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है सब कुछ क्या चाहिए, मैं जाके लेके आऊँगी। ये तो बस किचन का हुआ है, अभी बाकी यूटिलिटी में भी कुछ सामान रहता है, बाथरूम रिलेटेड सामान रहता है जो मुझे देखना है, फिर करते मैं जाऊँगी शॉपिंग करने। हो आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हो, कैसे टाइप का वीडियो देखना चाहते हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छा सा फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, हैप्पी रहना और अपने आप को सेफ रखना। चलो फिर आना के पास जाती हूँ, बैठती हूँ, बाय बाय।